जय माँ बगलामुखी, जय माँ पीतांबरा। जैसे कि माँ की शक्ति हमारे गांव में बहुत बड़ी है, और मैं एक भैया के माध्यम से आया था रात के 12 बजे, और मुझे उस भैया ने मेरे बड़े भाई साधक, जो माता के साधक है रविंद्र मानकर, मैं इनसे मिला। इन्होंने मुझे कुछ मेरे यज्ञ करवाए, अर्जी लगाई उसी टाइम रात्रि 12 बजे के बाद, और ये मैंने करीबन 3 बजे तक यहाँ रुका। मुझे बहुत अच्छा लगा, इतने टेंशन में बाद भी मेरे को यहाँ मतलब शांत स्वभाव से मतलब बैठा हुआ था, फिर भी उन्होंने मेरे को मार्गदर्शन देते रहे। मेरे भैया रविंद्र मानकर ने मेरे को मार्गदर्शन दिया, यहाँ मैं रुका, माता से रात में अर्जी लगाई, रात के 12 बजे बाद हवन ववन किए, फिर उसके बाद सुबह तक मुझे वो उगती मतलब वो तो नहीं बोलना चाहिए, पर फिर भी मुझे खुशखबरी दी माने। फिर उसके बाद मैं सेकेंड अर्जी लगाई तो उसमें भी मेरे को बहुत बड़ी उपलब्धि प्राप्त हुई। मैंने वैसे ही रविंद्र भैया को आके बताया, फिर उन्होंने मुझे और मार्गदर्शन दिया और आगे का बताया कि ऐसे ऐसा करो, ऐसा ऐसा होगा। तो फिर मैंने जप किए थोड़े से, यहाँ बैठा दिन दिन भर और भैया से मार्गदर्शन लेता रहा, बहुत अच्छा लगा मुझे आके। और माँ से भी यही कामना थी कि माँ मेरा काम बना दो, बस वो मेरा काम बना भी, बहुत जल्द रिजल्ट मिला मुझे। फिर मैंने जब वो किए थोड़े बहुत आते रहा, समझता रहा, भैया के मार्गदर्शन से चलता रहा, तो सब काम हुए और माता ने भी बहुत अच्छे से साथ दिया। मैं सबसे मेरे भाइयों से, छोटे भाइयों से, बड़े भाइयों से, सभी से भी यही चाहता हूँ कि वो माँ को समझे, माँ के दरबार में आए, थोड़ा बहुत जप वप करें और इस शक्ति को समझे। दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि माँ के चरणों में मैं आया, मुझे बहुत सी चीज़ें सीखने को मिली, जैसे कि जप वप कैसे रक्षा करते हैं, कवच ववच सब के बारे में भैया रविंद्र भैया ने मुझे बताया। मैं उनका भी धन्यवाद करना चाहूँगा, उनके मार्गदर्शन से मैं चलता रहा, उपासना की, जप किया,